अरे ये लड़की क्या कर रही है? ऐसे अगर ये कूद गई तो इसकी तो जान चली जाएगी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। भैया आगे मत आना वरना मैं कूद जाऊंगी। ज्योति बहन तू क्या कर रही है? एक एग्जाम का रिजल्ट तेरी जिंदगी का फैसला थोड़ी करेगा। तू उतर जा बहन, ये मत कर। भैया आपने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया और मैं फिर भी फेल हो गई। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार ताना दे दे के मार देंगे, इससे अच्छा तो मैं खुद ही मर जाऊं। कोई कुछ भी नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूं तू नीचे उतर जा। हमारे ऊपर क्या ही फर्क पड़ता है रिश्तेदार का? अरे अब तेरी जिंदगी का फैसला रिश्तेदार थोड़ी करेंगे। तू ये तो देख, इस अपाहिज का बस तू ही सहारा है, और तू ये कर लेगी तो मेरा क्या होगा? बहन ऐसा मत कर, मैं कह रहा हूँ रुक जा तू। भैया आपने मेहनत मजदूरी करके मेरी फीस भरी, मुझे पढ़ाया और मैं फिर भी फेल हो गई। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। प्लीज बहन मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, नीचे उतर जा बहन। अरे ये तुम क्या कर रही हो? ऐसी क्या बात हो गई कि तुम अपनी जिंदगी में ये कदम उठाने जा रही हो? मैं बताता हूँ मैम आपको, ये ना 12th में एक एग्जाम में फेल होगी और फिर इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है। बहन नीचे उतर जा तू प्लीज। क्या एक एग्जाम तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला करेगा? और तुम भी किसे बचाने जा रहे हो? तुम्हारी बहन एक नंबर की सेल्फिश लड़की है, ये सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही है। इसने तुम्हारे बारे में सोचा कि अगर उससे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? नहीं मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं अपने भैया से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने इतनी मेहनत करी और फिर भी मैं फेल हो गई और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और चलो मान लो अगर तुम यहाँ से कूद गई और बाई चांस तुम बच गई, तुम्हारे हाथ पैर टूट गए, तो तुम अपने भाई पर फिर एक बोझ बन जाओगी। देखो दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। बहन प्लीज उतर जा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। चलो नीचे उतरो अब तुम। देखा बहन, तैने वहां ऊपर चढ़ के एक मिनट में बोल दिया। मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, रिश्तेदार ताना देंगे। तैने एक बार भी सोचा अगर तेरा कुछ हो गया तो तेरे भाई का क्या होगा? भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तेरे जीवन का रिमोट रिश्तेदार या तेरे यार दोस्तों के पास थोड़ी है, वो तेरे पास है। तुझे डिसाइड करना है कि तुझे कब खुश होना है कब उदास, ये और कोई डिसाइड नहीं करेगा। एक एग्जाम पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करता। जिंदगी में उतराव चढ़ाव आते हैं और वो हंस के आदमी को सहने होते हैं। चला